ओके, नाउ हम पढ़ने वाले हैं बीक्स एंड क्लॉज के बारे में कि बर्ड्स के बीक्स एंड क्लॉज डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं. नाउ फर्स्ट इज शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स एंड क्लॉज. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे शॉर्ट मतलब छोटे और हार्ड मतलब कठोर और सींग जैसे दिखने वाले जो चोंच होती हैं और जो क्लॉज होते हैं पंजे होते हैं उनके बारे में. दीज बीक्स आर फाउंड इन बर्ड्स दैट क्रैक नट्स एंड ईट ग्रेन्स एंड सीड्स. ये जो बीक्स होते हैं ये चोंच होती हैं किस में होती हैं बर्ड्स में होती हैं. किस लिए होती हैं ऐसी चोंच इन बर्ड्स की, ताकि वो जो नट्स होते हैं उनको तोड़ पाएँ और अनाज खा पाएँ और सीड्स बीजों को खा पाएँ. मोस्टली दे आर पर्चिंग बर्ड्स. ज़्यादातर ये जो बर्ड्स होती हैं जिनके ऐसे क्लॉज और बीक्स होते हैं शॉर्ट एंड हॉर्नी, वो होती हैं पर्चिंग बर्ड्स. मीन्स ऊंचे स्थान पर बैठने वाली जो बर्ड्स होती हैं उनको हम पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं, लाइक स्पैरोस, पिजन्स एंड क्रोस. जैसे कि स्पैरो, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ज़्यादातर ऊंची जगहों पर ही बैठती हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं पर हाँ थोड़ी ऊंची जगहों पर ही बैठना पसंद करती हैं. दे हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन टो एट द बैक. जैसे कि आपको सर्कल जो पिक्चर में उनके क्लॉज दिख रहे हैं उसमें कैसे उनके जो पंजे होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनके नाखून जैसे तीन जो टोज होते हैं उनके तीन जो नाखून होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं फ्रंट में दिख रहे हैं और एक जो टो होता है वो पीछे की तरफ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है ईजीली जब बर्ड्स बैठती हैं. और वो पतला होता है जो नाखून होता है उनका वो पतला होता है पीछे वाला. दीज टोज हेल्प द पर्चिंग बर्ड्स टू होल्ड द ब्रांच ऑफ ट्री फॉर्मली. ये जो नाखून होते हैं ये जो उनके पंजे होते हैं पर्चिंग बर्ड्स के क्या करते हैं, जो भी ब्रांच होती है पेड़ की उसको ईजीली और आराम से पकड़ने में मदद करते हैं ताकि वो ईजीली जाकर उनको पकड़ लें. दे कैन स्लीप आफ्टर पर्चिंग. और वो सोती भी बर्ड्स जो हैं वो सोती इसी तरह हैं पर्चिंग करता है, मीन्स ऊंचे स्थान पर बैठ कर और टाइटली सॉरी फर्मली पकड़ती हैं ब्रांचेस को एंड देन उसी पर ही वो स्लीप करती हैं सोती हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व बीक्स एंड क्लॉज. स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, शार्प मतलब एकदम तेज सी रहती हैं और कर्व्ड मतलब मुड़ी हुई रहती हैं. ऐसी चोंच के बारे में पढ़ेंगे हम और क्लॉज और ऐसे पंजों के बारे में पढ़ेंगे जो स्ट्रॉन्ग शार्प और कर्व्ड होते हैं मुड़े हुए होते हैं. द बर्ड्स दैट टियर फ्लैश हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व्ड बीक. ऐसी चिड़िया जो फ्लैश खाती है मीन्स मांस खाती हैं उनके जो चोंच होती है और जो पंजे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, शार्प होते हैं, तेज होते हैं और कर्व्ड होते हैं मुड़े हुए होते हैं. विद देयर क्लॉज दे कैच एंड होल्ड देयर प्रे फर्मली. इससे क्या होता है कि वो अपने शिकार को अपने पंजों की मदद से ईजिली पकड़ पाती हैं और उन्हें अपने पंजों से मुड़े हुए होते हैं इसलिए वो ईजिली फर्मली उन्हें पकड़ पाती है. एंड देन कैरी इट अवे लाइक ईगल्स काइट हॉक्स एंड ऑल. और उसे अपने साथ ले जाती हैं जैसे कि ईगल हो गया, काइट हो गया हमारी चील हो गई, हॉक्स एंड ऑल ये सारे जो बर्ड्स होती हैं उनके जो बीक एंड क्लॉज रहते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व्ड बीक रहते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. इस तरीके से हॉक के भी दिख रहे हैं मुड़े हुए हैं ना, कर्व्ड हैं बिल्कुल इस तरीके से. आउल का जो बीक है वो भी इस तरीके से मुड़ा हुआ है, इस तरीके से होते हैं. नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू.